सुई लेबे तबीयत गोरानी। खराब था। हाँ सुई लेबे गोरानी से तो दिहलन सुई पेट और टोलन ठीक बा। फिर कहता नो कि तुम्हारे साथ केहू कुछ कैले बा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। हाँ तो कहनी कि ना हमारे संग केहू नहीं कैले। तो कहता हम कह दिए तो हम कहने की करबत हम पापा से फोन करके पिटवा दे। हाँ तो फिर कहता कि तब केवाड़ी बंद कर दिहलन बंद करके पैट खोलन हमारो खोल दिलन। नमस्कार गणेश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत। बक्सर में हर एक दिन कुछ न कुछ ऐसा अनहोनी हो रहा है जिसको न चाहते हुए किसी को न्याय दिलाने के लिए हमें अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कहना पड़ रहा है। और आज बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जब हम माइक लेकर ये बोल रहे हैं तो बिना लोगों वाला माइक है और जहाँ पर बैठे हैं ये बक्सर ज़िले का भीम आर्मी का कार्यालय है। हमेशा की तरह यहाँ पर जनता की समस्याओं को सुना जाता है और आज मेरे पास एक कॉल आया कि एक बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया है। बाकी सिमरी प्रखंड के नारायणपुर गांव में एक बच्ची के साथ या यूँ कह सकते हैं एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके से हैवानियत किया गया है और जिस तरीके से इसमें प्रशासन की लापरवाही सामने निकल कर आई है वो सारी बात आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो पीड़िता है वो आपके कैमरों में दिखाई दे रही हो, यही वो बच्ची है जिसकी उम्र महज 13 साल है और इस 13 साल की उम्र में भगवान दूसरे भगवान की दर्जा प्राप्त डॉक्टर ने हवानियत को अंजाम दिया है। बाकी क्या हुआ है ये लड़की ही बताएगी। क्या हुआ है बाबू तुम्हारे साथ पूरा बताइए। हम घर से जैसे गोरानी है थी सुई लेबे सुई लेबे गोरानी खराब था। हाँ सुई लेबे गोरानी से तो दिहलन सुई पेट और टोलन ठीक बा। फिर कहता नो कि तुम्हारे साथ केहू कुछ कैले बा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। हाँ तो कहनी कि ना हमारे संग केहू नहीं कैले। तो कहता हम कह दिए तो हम कहनी कि करबत हम पापा से फोन करके पिटवा दे। हाँ तो फिर कहता कि तब केवाड़ी बंद कर दिहलन बंद करके पैट खोलन हमारो खोल दिलन आ चढ़ गलन देही पर छाती काट ली हलन काट गल मई देही पर हमारा कानी लफर लस गिर गो रहलन लसो फसो हो गल तनि घरे तो धोनी धो के रोए लगनी। तब हमार बहिनी अली दुकानी से तब पूछल क्या भेल तोरे तो हम कहनी कि नहीं सब देख हँस से बात बाटे हमारे हिंदू। तब निशा बहिनी हमारा अलिए चाचा से चाची ले कहें तो कहल सके अच्छा देख हाँ ये कुल बात बाटे तो गोल न चाचा तो उन्हें से पीटल खिसिया के मरलन कल के मेहरानू मिल के चार पचली मरली ल। तो फिर कहता कि घर रहनी घरे तो कहता कि नहा ले तो 3-4 दिन हई लग मैल सब भर रहें तो नहा नहीं। किस तरीके से लड़की अपने घर वालों को इस घटना को बताई है इसके लिए तो लड़की को सलूट बनता है। लेकिन जैसा कि जिस व्यक्ति का नाम बता रही है उसका नाम मुन्ना अंसारी उर्फ जालिम अंसारी है और जिस तरीके से नाम है नाम के अनुकूल जालिम काम भी किया है। बाकी इस लड़की की जो है कैमरे में दिखाई बिल्कुल नाबालिग लड़की है और इस तरीके से इसके साथ हैवानियत का अंजाम दिया गया है। बाकी प्रशासन जो है इस मुद्दे पर अभी तक क्या बोली है इनके माता जी से पूछेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है ये घटना जो है 9 जून का है ना, 9 जून का है और आज 12 जून है जब वीडियो शूट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के तरफ से क्या बयान आया है मतलब? सर मैं जाए हूँ तो गोली तब नैहर गुरानी हम हमारे लड़की से ऐसा ऐसा बात हो गई तो हम नैहर ले आईनी हमारे सवांग गुल मैंने दिल्ली आँखी के दवाई अभी भी दिल्ली है। हाँ दिल्ली है तो दवाई होकर और गोल बड़े हमारा के गोल फोन तो हम आईनी आईनी तो हम कहकर मारल पिटल रहें जा केहू के देखी तो मरबे पिट फोन कर लड़की कही तो मारपीट के हमने के आगू नहीं जा महिला आई थी में हॉस्पिटल थाना में तो जैसे अपन कुछ नहीं आई ना दिहलो तो हम कुछ ना खाली पूछ पाछ के छोड़ दिलो साँझ हो गुल 5 बज गुल तो हमने के भसुर देवर हमने के दू माई बेटी के फिर आए के सिमरी थाना। ये बोल रही हैं और ये बोल रही हैं कि जब हम महिला थाना में गए अपनी बच्ची का FIR दर्ज करवाने तो जो इनका FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो आप इस स्तर से प्रशासन महकमे के उनके रवैयों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को दर दर न्याय के लिए भटक रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है और न ही FIR दर्ज होता है। बाकी आगे तो अल्ले गुल लो जाए तो हमने के रखल लो तो कहल लो सब चीज़ पूछलन तो दरोगा कुल रहन जो दरोगा रोगा साहब मैंने
तब पूछा लोग कि कई झूठ बात है, तन ये लड़की बोली कि नहीं झूठ बात नहीं के, दरोगा बोल रहा था कि झूठ। हां तो ना तो कहने कि छुछुने में कुछ कुछ फालतू गाली देबे लगे, मदरचोद बहनचोद बहुत ही खराब है लड़की। कौन बोल रहा था ये? दरोगा है से, दरोगा बोल रहा था कि ये सब अप्रिय शब्द बोल रहा था। हां जब बैठा रहला नो जे उहे कहला, तब कौन जे कि ठीक है बात, तो हमने के ओ जैसे इहा सब के छोड़ देला जाओ जे हमने के घरे 10 बजे ले घर चहुपा देल जे, तो हमने कहन के बुची चाचा बड़का जी के लिया लेबा चली जा, तो कहता कि नहीं ऊ नहीं जाएगी, कनी काहे सर ना जाइए तो ना उनकर अभी काल कुछ होए तुम्हारा माँ लोग चक्की पिसवा देंगे, झूठ साझ कर कल डॉक्टर है पूछता नहीं है रोता नहीं है, तो कहन कि सर कैसे टोक है सामान क्यों पूछेला कि है दुखा है कर दिया है ये कुल डॉक्टर पूछेला, तब तो कह के हम के खदर दिए नहीं चौपाई नहीं जल के हमके गाँवे गाड़ी से छूट दिलन आ यहाँ सबके वजह से फिर सेमर रखल सेमर ले फिर बक्सर कह दिए। तो आपको जैसा कि पीड़िता की माँ से सुन रहे थे कि किस तरीके से एक थाना प्रभारी के माध्यम से अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, बाकी बिहार में जिसकी सरकार है एनडीए की सरकार है और इस शासन व्यवस्था को सुशासन कहा जाता है, सुशासन इसलिए कहा जाता है ताकि यहाँ की रक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की जो महकमे है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन एक थाना प्रभारी का ये लफ्ज़ जो है कहीं ना कहीं ये मानवता को और ये इस तरीके से बत्ती के साथ जो घटना घटी है ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना। बाकी आगे आप लोग का क्या कहना है, क्या मांग है आप लोग का? हमने के सर उनका इंसाफ चाहिए कि उनका जेल में ले जाए, हमने के हमने इतना दुख नहीं कि हमने कहा इतना लड़की की हमारी इज्जत कहाँ से कहाँ चली गई आए, तो उनका पैसा के गौर में तो पैसा दे दे अपन दरोगा करता, हमने के पैसा नहीं कि तुमको इंसाफ ना मिली, हमने के इंसाफ मिले के चाहिए सच्चाई वहाँ के गुलस के हम सच्चाई का बा, तो खाली जमीन के तो काथी के लापरवाही कल बड़ा उनकर जमीन हमार जमीन भीरी नहीं खे और जमीन के अनुसार में कैले बड़न आ हमने के उनकर जमीन हमके मतलब आप लोगों पर उल्टे एफआईआर कर दिया। हाँ हमने के उल्टे केस कैले बड़न केस कर दिया। हाँ जमीन के मामले को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया और अभी तक आप लोग का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है कहीं? तो आप देख सकते हैं कि पुलिस महकमे की यही सच्चाई है और ये परिवार जो है जो पीड़ित परिवार है ये न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और जब कहीं न्याय नहीं मिला तो ये भीम आर्मी के कार्यालय पर आए कि शायद कुछ उम्मीद बन जाएगी और हमको न्याय मिल जाएगा, लेकिन सर पुलिस प्रशासन महकमे से कोई दूर जाकर किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पास ये न्याय मांगता है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की थूथू करने वाली बात होगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रशासन को यदि जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति देख रहा है तो इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूं और हमारे कैमरे पर नए साथी सुरेश सागर जी हैं, आप द न्यूज़ पथ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।